अभी अभी मुझे पता नहीं चला एकदम से हो क्या गया मतलब। पिछले व्लॉग में आपने जा तो देखा होगा कि मैं केप ब्रेटन पहुंच गया था, जा तो आपने पिछले व्लॉग में यहाँ का टूर देखा होगा इस घर का। तो मुझे एक डेढ़ घंटा हो गया, दो घंटे हो गए मैं अभी आए हुए और टाइम हो गया है कुछ 7:12। अभी मौसम बाहर थोड़ी सी ठंड भी हो गई थी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं लेकर आया था एक्स्ट्रा जैसे कि आपको पता ही था, तो फिर मैंने अभी चेंज कर लिया। मैंने सोचा क्यों ना ये अपनी शॉर्ट्स वगैरह चेंज करके पजामा वगैरह पहन लिया है ये देखो, और साथ में ऊपर ये हुडी पहन ली है क्योंकि बाहर अभी डिनर वगैरह करने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहा हूँ बाहर देखने के लिए क्या है क्या। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग, जो नहीं आया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल इवनिंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आगे बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आ रहे हैं केप ब्रेटन के बहुत ज्यादा। ये सेम दिन है वही वाला जब मैं केप ब्रेटन जा रहा हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी एक घंटा लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। लेकिन आप ये अलग ब्लॉग में इसलिए देख रहे हो क्योंकि अभी हम कैबट ट्रेल पर पहुँचने लगे हैं और कैबट ट्रेल यहाँ से यहाँ की सबसे लंबी ट्रेल है जो 60 किलोमीटर तक जाती है। हमारे रास्ते में ही आ गई कैबट ट्रेल, सोचा था कि वहाँ पर पहुँच कर फिर घूमने के लिए जाएंगे लेकिन अभी हमारे रास्ते में ही आ गई, तो फिर अभी इसका अलग ब्लॉग बनाना पड़ेगा घूमने फिरने का। ये देखो कैबट ट्रेल, बस यहाँ से 1.1 किलोमीटर रह गया, यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है फिर कैबट ट्रेल का व्यू शुरू होगा जो 60 किलोमीटर लंबी है और वर्ल्ड फेमस मतलब पूरी दुनिया में फेमस है ये वाली कैबट ट्रेल। बड़े ही आपने ना सुनी हो, मैंने भी नहीं सुनी थी जब मैं इंडिया में था यहाँ भी नहीं सुनी थी जब मैं ओंटारियो में था, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस है जितना मुझे पता है। ओ माय गॉड, वो देखो जरा सामने आपको दिख रहा है, अरे भाई नहीं कैमरे में आप नहीं देख सकते वो वाली चीज, ये देखो वर्ल्ड फेमस कैबट ट्रेल, सामने आइलैंड है जरा देखो यार। ये देखो कैबट ट्रेल को रास्ता जा रहा है अभी अभी, लेकिन जब वापिस हमें जाना पड़ेगा ना अपनी एयरबीएनबी की तरफ, फिर हमें वापिस इसी तरफ आना पड़ेगा एयरबीएनबी पर जाने के लिए। लेकिन अभी हम कैब ट्रेल पर इसलिए जा रहे हैं पहले, बाद में हमें डबल रास्ता पड़ जाएगा इधर अगर हमें आना पड़ा वापस घूमने के लिए। क्या बात है यार, मतलब कितना खूबसूरत बना हुआ है ना नेचर, क्या क्या है कुदरत के अंदर, वाह मन कर रहा है कि पूरा चलकर घूम लो यहाँ से। आए थे हम घूमने के लिए, कुछ इतनी खास लगी नहीं मुझे कैबट ट्रेल, लेकिन ठीक है मतलब व्यू काफी बढ़िया थे फिर भी तो, लेकिन ज्यादा बढ़िया व्यूज फॉल वगैरह में होते हैं जब फॉल हो ना पत्तों के रंग वगैरह डिफरेंट हो। लेकिन पंगा ये है अभी कि हमारा नेटवर्क भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है नेटवर्क, मतलब सर्विस ही नहीं है यहाँ पर इंटरनेट की, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एयरबीएनबी पर जाना है उसका एड्रेस भी हमें नहीं पता कि कहाँ से जाना है कौन से रास्ते पर जाना है ना, सारा कुछ तो मैप्स पर चलता है यहाँ पर तो। लेकिन शुक्र है कि मेरी गाड़ी में मैप्स है, इनबिल्ट मैप्स है मेरी गाड़ी में, तो फिर उसमें हम एड्रेस डालकर अभी जा रहे हैं, इसमें एड्रेस अभी डाला हुआ है और ये हमें लेकर जा रहा है अभी यहाँ भी जाना है। और बाकी फिर से समुंदर आ गया है इधर, अभी हम सेम वही पर रास्ते वही रास्ते से वापिस जा रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे। ये देखो अभी ये खूबसूरत है, दोनों तरफ समुंदर है, ये देखो इधर आइलैंड, ये होते हैं असली आइलैंड।
अभी अभी मुझे पता नहीं चला एकदम से हो क्या गया। मतलब मैं पीछे से हम रास्ते से आ रहे थे, हमने अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है ना, हम ट्रेन में से उतर कर जाएंगे वहां पर। लेकिन हुआ क्या, अभी अभी उधर से हम आए, सामने खड़ी हुई थी फेरी, मैप के ऊपर भी वो यही वाली फेरी दिखा रहा था और मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि ये रास्ता फेरी को जाता है। लेकिन उसने कहा कि आप अपनी फेरी पर गाड़ी लेकर आ जाओ और इस वक्त मेरी गाड़ी जो है ना ये फेरी के ऊपर खड़ी हुई है। और ये गाड़ी फेरी के ऊपर से अब जाएगी उधर दूसरी साइड। ये देखो अभी हमारी गाड़ी फेरी के ऊपर है, ये सारी की सारी गाड़ियां फेरी के ऊपर खड़ी हुई हैं। One step forward and another back, I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad, girl, when you look like that. Close up, close up, I'ma get close up to you. बस 50-100 मीटर होगा, दूर बिल्कुल भी नहीं, सामने बस। उसको ऑलमोस्ट 2 मिनट लगे, 1-2 मिनट लगे और दैट्स इट। उधर आप तब तक व्यू चेक कर। मैंने सोचा हुआ था कि अभी तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, लेकिन इतना शानदार व्यू अभी तक नहीं आया था पीछे, जितना बढ़िया व्यू इस वक्त मेरे सामने है। इस रास्ते से मैं नीचे आया और यहाँ से नीचे आते ही सामने, ओह माय गॉड, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना यहाँ से। जरा देखो ये सारा समुंदर और वो सामने साथ में पहाड़ी आ रही है, अब इसके साथ साथ ही जाएंगे हम पूरा रास्ता। बहुत ज्यादा बढ़िया व्यू है, बहुत ज्यादा बढ़िया। और वो सामने ब्रिज देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से, वो देखो। एयरबीएनबी का टाइम जो था ना, हमने वहां पर 1 बजे पहुंच जाना था, लेकिन अभी 5 बजे के बाद हम वहां पर पहुंच रहे हैं। जितना हमने पहुंचने से पहले ही मतलब घूम लिया हमने आधे से ज्यादा। तो Got me hooked on you once again.